हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी का मॉडल टेस्ट नंबर आपका 24 यहां पर होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्लास आज होने वाला है और ये आपका NCERT और आपका SCERT दोनों बेस्ट से संबंधित है। 1 से लेकर के 12 क्लास सभी के लिए और ख़ास करके 1-5 वाले भाई साहब हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। तो यहाँ पर तो मेन जो प्रश्न है वो 50 प्रश्न है, लेकिन इसके अलावे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 200-300 सवाल और भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बस ध्यान से आप इसको सुनते चलिएगा, कुछ नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, बाकी तो इसका PDF आपको ग्रुप में शेयर कर ही दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको टेस्ट के रूप में लगाइएगा और इसकी तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, है ना। तो और एग्ज़ाम में आपका यहीं से सवाल आने वाला है, ये आप निश्चित मान लीजिए। बस जितना आप लोग को करवा रहे हैं अभी तक, देखिए 24 नंबर टेस्ट है, ठीक है, और अभी दोस्तों कम से कम लगभग 50 टेस्ट आपका और होने वाला है। सभी टेस्ट अगर आप ले लेते हैं, कर लेते हैं, तो उससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा, आप याद रखिए, यकीन मानिए। तो ये है आपका WhatsApp नंबर, आप हमारे WhatsApp में जुड़ जाइए, है ना, ग्रुप में। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और अपनी तैयारी को कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ देखिए 1-5 और आपका 9-10, ठीक है, 9-10 में आपका सामाजिक विज्ञान और 1-5 की आपकी पूरी तैयारी चल रही है, जहाँ आपकी ये समान अध्ययन की क्लासेज है आपका, जो आपका 120 नंबर जो सवाल पूछेगा उसमें आपका यहां से 100 नंबर का सवाल की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक दोस्तों मात्र इसमें जुड़ने का मात्र 499 चार्ज है, तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, है ना, देर नहीं करना है, समय निकलते जा रहा है और एग्ज़ाम का भी डेट आप लोग को दे ही दिया गया है। अगस्त में एग्ज़ाम होगी और 19, 20, 26, 27 अगस्त को चार डेट में एग्ज़ाम होने वाली है। 16 जून से आप सभी की फॉर्म भी भराना शुरू हो जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग नहीं बनाए हैं अपना बना लीजिएगा। जाति, आवासीय, OBC, EWS, SC, ST, जिनका जो भी कमी होगा वो अपना पूरा कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, ठीक है। चूकना नहीं है भाई साहब, है ना, ध्यान रखिएगा। इस बार चूकिएगा तो फिर ये आपको 5 साल लटकाएगा सरकार, क्योंकि ये चुनाव 5 साल के बाद आती है और 5 साल के बाद ही फिर बहाली हो पाएगा, ध्यान रखना है, है ना। तो दिन रात आपको एक कर देना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको जो भी पेमेंट करेंगे तो इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, है ना। ये नंबर है आपका 7857-82-43-10, यही फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, आपको ऑनलाइन पे करके स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर भेज देना है, ताकि आपको वहाँ पर ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पर्सनली आपको मिल जाएगा और फिर डेली वाइज दोस्तों आपको ग्रुप में मिलते रहेगा जैसे जैसे क्लास होते जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। वीडियो को एक बार लाइक कर देना है सभी लोग को। पहला सवाल कह रहा है कि सार्थक पहला है कि सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को आपको व्यवस्थित करना है। अब जैसे कि कलेक्टर दिया हुआ है, गवर्नर है, मुख्य सचिव है, राष्ट्रपति है, क्लर्क है, है ना, तो क्रम में सजाना है। देखिए इस प्रकार का सवाल जो है ना आपको रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है, है ना, और इसको कहेगा कि क्रम में सजाइए, यानी कि छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें आपको कौन दिख रहा है, सबसे छोटा आपको क्लर्क दिख रहा है ना, क्लर्क की तैयारी आप करते हैं, सबसे छोटा क्लर्क है। इसके बाद जो हो जाएगा कलेक्टर हो जाएंगे, है ना, इसके बाद हो जाएगा भाई साहब कलेक्टर, और कलेक्टर के बाद हो जाएगा आपका मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव हो जाएगा आपका कलेक्टर के बाद, और मुख्य सचिव के बाद हो जाएगा आपका गवर्नर, ठीक है, कौन हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है, है ना, राष्ट्रपति, जी हाँ, जो भारत के प्रथम नागरिक जिन्हें कहा जाता है। तो आप इसको सजा लीजिए और सजाने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर कौन होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति, यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 5, 1, 3, 2, 4, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भी होगा आप यहाँ पर टिक अपना कर लीजिएगा। हम चलते हैं आपका दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से वृक्ष या फिर आर्बोरियल जानवर की पहचान करें। बताइए दोस्तों, है ना, वो कौन सा वृक्षीय, है ना, वृक्षीय या फिर यहाँ पर वृक्ष नहीं, वृक्षीय या फिर आर्बोरियल जानवर है, तो वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंदर, ठीक है, बंदर वृक्षीय या फिर इसी
पक्षी को आर्बोरियल जानवर कहा जाता है। और दोस्तों बंदर जो है ना एक मेरुदंडीय और ये स्तनधारी प्राणी भी होता है, आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि बंदर जो है बच्चे को जन्म देती है और ये बच्चे को अपना दूध पिलाती है, ठीक है। चलिए मेरुदंड का ही इसका जो अगला भाग होता है वो पूंछ के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है। मेरुदंड का ही इसका अगला भाग जो है धीरे धीरे वो पूंछ के रूप में विकसित हो जाता है बंदर का। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 3 नंबर। ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, चाहे आपका 4 का क्लास हो, आपका 5 का क्लास हो, है ना, जो आपका इन्वायरमेंट आपका वाला किताब होता है वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रश्न अगला हम देखते हैं कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है। ना मिर्च खाते हैं तो कैसा लगता है, तीखा लगता है, है ना, बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, तो किस यौगिक की वजह से होता है, ये होता है दोस्तों आपका, याद रखिएगा, है ना, कैप्सेइसिन, है ना, कैप्सेइसिन के वजह से होता है, कैप्सेइसिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, ठीक है, कैप्सेइसिन के वजह से ये आपका तीखा होता है, मसालेदार होता है, है ना। मिर्च जो होता है ना कैप्सिकम वंश का ये पादप होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा, याद रखिएगा, मिर्च कौन से वंश का होता है, तो कैप्सिकम, ठीक है, कैप्सिकम वंश का ये होता है मिर्च आपका, ठीक है। मिर्च जो होता है दोस्तों ये सोनेंसी आपका कुल वंश का ये सदस्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मिर्च का जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब, आप हमें बता दीजिए, है ना, मिर्च का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इसका जन्मभूमि दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका इसका जन्मभूमि है, है ना। भारत में लाल मिर्च जो है दोस्तों ये कहाँ से किसका देन है, है ना, भारत में जो लाल मिर्च है ये किसका देन है या कहाँ से ये आया था, तो ये आया था आपको पुर्तगाल से, ठीक है, ये पुर्तगाली की देन है आपको लाल मिर्च आपका भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। मिर्च का जो लाल रंग होता है ये क्यों होता है ना, मिर्च का लाल रंग जो होता है आखिर ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है, तो कैप्सेंथिन के वजह से होता है, ठीक है, कैप्सेंथिन के कारण होता है ये लाल रंग, नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर सवाल कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। नट जो देखिए उन्हें बहुत सारे अब कहीं कहीं जो मेला लगता है जो नट होता है वो रस्सी पर आपको चलता है ना, रस्सी पर चलने वाला जो व्यक्ति है ये भौतिक के किस नियम का पालन कर रहा है, है ना, आप देखे होंगे कि एक खंभा इधर खड़ा हुआ है, एक खंभा इधर है और इसके बीच में रस्सी है और इसके ऊपर जो है एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, चल रहा है डंडा लेकर के, ठीक है, है ना, तो ये किस नियम के वजह से होता है, भौतिक के किस नियम के कारण दोस्तों, ये बताना है आपको, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी कि ये जो है न्यूटन के नियम के वजह से होता है ना, न्यूटन के गति के नियम के वजह से आपका ये होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जमीन पर चलना और पानी में नाव का चलना या रॉकेट का उड़ना, ठीक है, ये सभी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के वजह से ही होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, तो न्यूटन ने आपका 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रथम नियम जो इसका था, है ना, न्यूटन का जो प्रथम नियम था ये जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है, और न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो ये न्यूटन भाई साहब हैं, इन्हीं को कहते हैं आपका भौतिक विज्ञान का जनक। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, 5 नंबर पर जो प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस समीर को क्या कहते हैं, है ना, उस समीर मतलब क्या होता है, हवा, है ना, समीर मतलब हवा, यानी कि उस हवा को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत कंसेप्टुअल सवाल है आपका ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर होगा। आप समुद्र के किनारे कभी समुद्री जो शहर है जैसे कि आपका मुंबई हो गया आपका, है ना, आपका गोवा है, केरल है, ठीक है, चेन्नई है, बहुत सारा मुंबई जो आपका तटीय शहर है दोस्तों, यहाँ पर तट के वाला इलाका में क्या होता है, है ना, तो वही प्रश्न यहाँ पर है कि रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। रात में क्या होता है कि समुद्र से स्थल की ओर हवाएँ जो चलती है वो क्यों चलती है, इसको क्या कहते हैं, ये सवाल आपका कह रहा है, तो इसको कहते हैं स्थलीय समीर, रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लगता है उल्टा लिख दिया है ना, उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, लग रहा है कि ये क्वेश्चन उल्टा थोड़ा सा लिख दिया है आपका, एक मिनट,
देखिए समुद्र से स्थल की ओर, यहाँ पर लिखना चाहिए स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर आपका रात्रि में चलता है हवाएं, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती है आपकी रात्रि में, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। और दिन में कैसा चलता है, तो दिन में चलता है आपका समुद्र से स्थल की ओर, है ना, स्थल से समुद्र की ओर। इसका कारण क्या होता है, मैं ये कारण थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, है ना, ये कारण क्या होता है। ये देखिए इधर क्या है आपका जल है, है ना, इधर क्या आपका जल है। तो जल जो होता है ना दोस्तों, ये थोड़ा देर से गर्म होता है ना, जल जो होता है देर से थोड़ा गर्म होता है। और आपको पता होगा कि हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, ठीक है। तो देखिए इधर क्या है, स्थल है, है ना, इधर क्या है आपका स्थल है और इधर जल है। तो स्थल जो है ना जल के अपेक्षा तुरंत गर्म हो जाएगा, है ना, ये वाला भाग क्या हो गया, गर्म हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, स्थल गर्म हो गया। अब जब ये दिन की घटना है ना, ये किसकी घटना है, तो ये दिन की घटना है। दिन में क्या होता है कि स्थल हो गया आपका गर्म, अब जब गर्म हो जाएगा तो क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है, है ना, ये वाला क्षेत्र क्या बन गया, लो प्रेशर। और हवा इधर क्या है, जल है, तो जल तरफ क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो हवाएं कैसे चलती है, हाई से लो की ओर हवाएं चलती है, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो दिन में हवाएं कैसे चलेगी, है ना, समुद्र से किधर, तो स्थल की ओर। लेकिन यहाँ पर देखिए वही तो उल्टा लिख दिया, रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर लिख दिया, है ना, यहाँ पर दिन में होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर दिन में होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिएगा, है ना, दिन में जो चलता है वो समुद्र से स्थल की ओर, और रात्रि में इसी का उल्टा हो जाता है। देखिए ये तो दिन वाला घटना समझ गए, अब रात में क्या होता है दोस्तों, है ना, रात में दोस्तों क्या होता है, समुद्र के किनारे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इधर क्या है, स्थल है, समझिएगा, है ना, इधर स्थल है, इधर क्या है आपका जल है, है ना। स्थल जो है जितना जल्दी ये गर्म होगा उतना ही जल्दी ये क्या हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, है ना, उतने जल्दी क्या हो जाएगा जी, ये ठंडा भी हो जाएगा। तो ये रात में शाम होते होते क्या हो जाता है, ये वाला भाग ठंडा हो जाता है, ठंडा हो गया तो ये वाला क्षेत्र बन जाता है हाई प्रेशर। लेकिन ये जो जल है धीरे धीरे गर्म होता है ना, ये धीरे धीरे दिन भर गर्म हुआ तो गर्म होते होते शाम तक ये पूरा गर्म हो जाता है, तो यहाँ बन जाता है आपका लो प्रेशर वाला बेल्ट। ये लो प्रेशर, अब हवाएं कैसे चलेगी, तो इधर है हाई और इधर है लो, तो हवाएं इधर से चलने लगेगी, है ना, रात की आपका ये रात वाला घटना हो गया आपका ये, ठीक है, ये वाला हो गया आपका रात की घटना, ठीक है। तो रात में चलती है स्थल से समुद्र की ओर, इसको क्या कहेंगे भाई साहब, ये सवाल था आपका। तो पांच का जो आंसर हो जाएगा, उस समीर को क्या कहा जाता है, जो सामान्यतः दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलता है, तो दिन में उसको समुद्री आपका कहेंगे दोस्तों, है ना, समुद्री समीर कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको समुद्री समीर कहा जाएगा, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न चलिए आपका सिक्स नंबर है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था अल्बर्ट साबिन ने, है ना, अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए पोलियो जो है ये वायरस जनित रोग है, याद रखिएगा, पोलियो कैसा रोग है, तो वायरस जनित रोग है। और पोलियो जो है किसको प्रभावित करता है, तो पोलियो जो है दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ना, किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है, वायरस जनित रोग हो गया ये आपका, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका सात नंबर है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप जो है नियंत्रण उत्पन्न होते हैं ये किससे दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, दोनों हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना। यानी कि अधिकतर जो पादप पेड़ पौधे होते हैं इसका नियंत्रण जो होता है ये बढ़ते तने के अग्रभाग और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर होता है, यानी कि आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए जी, और इसमें कुछ ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम, प्रश्न नंबर है आपका आठ नंबर प्रश्न है कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है, बताइए। और ये नियम मैंने अभी आपको समझाया था कि वो नियम कौन सा है ना, ये भी न्यूटन का कौन सा नियम है, तो इसको कहते हैं तीसरा नियम, है ना, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन कितने नियम दिए थे, तो तीन नियम दिए थे, है ना, तो ये था आपका तीसरा नियम कि अगर आप बल लगाते हैं तो आपके ऊपर भी विपरीत प्रतिक्रिया पर बल लगेगा।
आपका है ना, न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है तो दूसरा पदार्थ भी पहले पदार्थ पर क्या लगाएगा, वापस बल लगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कुछ कुछ और उदाहरण है न्यूटन के तीसरा नियम बहुत बार पूछा जाता है, जैसे पूछेगा कि रॉकेट का जो उड़ता है ये किस नियम से, तो तीसरे नियम से है ना, तीसरा नियम भी यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो गति का नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था, सबसे पहले पूछा जाता है कब किया था, तो 1687 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक है ना, न्यूटन की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपिया पुस्तक में ही सबसे पहले उल्लेख किया था आपका दोस्तों 1687 ईस्वी में गति का नियम। ठीक है, चलिए और इसमें देखिए एक चीज़ और यहाँ पर पूछा जाता है न्यूटन से है ना, तो मैं जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, या फिर इसको जड़त्व का नियम कहते हैं ना, जड़त्व का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जड़त्व का नियम है ना, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखिएगा, या फिर इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और दूसरे नियम है ना, न्यूटन के दूसरे गति का जो नियम है, इसका प्रथम गति के ही ये नियम पर ही आधारित है। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका नाइन नंबर सवाल कह रहा है, खाली स्थान में आपको भरना है किसके कारण खसरा बीमारी होता है। खसरा जो होता है ना, ये होता है आपका वायरस के वजह से। ठीक, किसके वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है आपका खसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। खसरा जो होता है ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है आपका। ठीक है, और खसरा जो है दोस्तों ये कौन से वायरस से होता है, तो मोरबीला वायरस से होता है, याद रखिएगा। कौन सा वायरस है, तो मोरबीला वायरस से होता है आपका ये खसरा। ठीक है, कालाजार जो होता है दोस्तों ये किससे फैलता है, तो कालाजार जो फैलता है ये प्रोटोजोवा से फैलता है ना, कालाजार जो फैलता है दोस्तों ये किससे फैलता है, प्रोटोजोवा है ना, याद रखिएगा, प्रोटो है ना, प्रोटोजोवा से फैलता है आपका कालाजार, याद रखना है। ठीक है, सिफिलिस जो रोग है दोस्तों ये किससे फैलता है, तो सिफिलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफिलिस, तो सिफिलिस जो रोग है ये आपका फैलता है किससे, तो बैक्टीरिया से है ना, किससे, बैक्टीरिया से फैलता है आपका सिफिलिस रोग, नोट करते चलिएगा आप लोग भी। और जैसे कि दमा, खाज, खुजली है ना, ये सभी किससे होता है, तो फफूंद से होता है। ठीक है, फफूंद से होता है आपका, दमा हो गया, आपका खाज हो गया, दाद हो गया, ठीक है, खुजली हो गया, ये सब फफूंद से फैलता है। ठीक है, चलिए जूते अगला प्रश्न चलते हैं आपका 10 नंबर, हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, आपको अगर फास्ट लग रहा हो तो यहाँ सेटिंग होगा, 3 डॉट होगा आपके मोबाइल में है ना, इस पर आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आएगा दोस्तों आपका है ना नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल में जाइएगा तो वहाँ से आप कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का उत्पादन किससे होता है भाई साहब, बताइएगा है ना, इथेनॉल का उत्पादन जो होता है ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर होता है, हो जाएगा आपका। इथेनॉल का अणुसूत्र क्या होता है हमें कमेंट करके बताइए है ना, इथेनॉल का अणुसूत्र क्या होता है, तो C2H6O होता है, नोट कर लीजिएगा, इथेनॉल का अणुसूत्र होता है। ठीक है, इथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, याद रखिएगा, इथेनॉल को ही एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और ये किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है इसका उत्पादन, तो किण्वन द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर सवाल है, ठीक है, 11 नंबर का जवाब दीजिएगा क्या होगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है ना, ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी पूछा जाता है, और ये एनसीईआरटी आप बुक पढ़िएगा 4-5 वाला है ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जितने भी ये सारे सवाल है नोट्स है दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राम बान है आपके एग्जाम के व्यू को लेकर के, बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में, याद रखिएगा। तो असम में पारंपरिक जो घर है ये स्टिल्ट पर क्यों बनाए जाते थे, क्यों, क्योंकि बाढ़ और वन्य जीव का खतरा होता है असम में बहुत ज़्यादा, इसीलिए असम में बहुत बाढ़ आता है, है ना, क्योंकि वहाँ बीचों बीच से गुजरती है कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, असम के बीचों बीच से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, और इसके वजह से यहाँ पर हर साल बाढ़ आता है, और यही कारण यहाँ पर स्टिल्ट पर, स्टिल्ट मतलब समझते हैं, नीचे खंभा दिल रहेगा भाई साहब है ना, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर घर रहेगा आपका है ना, नीचे आपका 3-4 खंभा दिया रहेगा, फिगर देखे होंगे, तो ये घर बनाया जाता है आपका असम राज्य में।
अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि एक गैंडे के सिंग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है, बताइए। है ना, एक गैंडा का जो सिंग है और मानव का जो बाल है, इसमें मौजूद जो संरचनात्मक जो होता है दोस्तों, इसमें कैरोटीन होता है ना, इसमें क्या होता है जी, प्रोटीन कौन सा होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। है ना, मेलानिन के कारण ही दोस्तों त्वचा का रंग का निर्धारण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। है ना, मेलानिन के वजह से क्या होता है, तो मेलानिन के वजह से होता है त्वचा का, है ना, त्वचा, एक मिनट गलती लिखा गया, त्वचा त्वचा का रंग निर्धारण होता है आपका, है ना, रंग निर्धारण होता है मेलानिन के वजह से। है ना, कवक को दोस्तों कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है ना, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। गाजर में क्या पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, ये भी आप याद रखिएगा। मानस नेशनल पार्क में क्या है दोस्तों, तो एक सिंग वाला गैंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है मानस, तो मानस नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये है आपका असम राज्य में, और यहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक सिंग वाला गैंडा। है ना, टमाटर में क्या पाया जाता है, पढ़े होंगे टमाटर, तो टमाटर में पाया जाता है लाइकोपीन, क्या पाया जाता है टमाटर में, है ना, लाइकोपीन। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है बताइएगा, क्लोरोफिल दोस्तों, तो क्लोरोफिल किस में होता है, हरे पौधे में, हरे जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, ध्यान रखिएगा। लाइकोपीन टमाटर, क्लोरोफिल हरे पौधे। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका असम में है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाला गैंडा के लिए। गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। मेलानिन के कारण क्या होता है, तो त्वचा का रंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बील या मांद में रहता है, बील या मांद में, तो देखे होंगे बहुत सारा जानवर को, चूहा भी रहता है, कछुआ, मगरमच्छ, ऑक्टोपस, खरगोश, आंसर क्या हो जाएगा, खरगोश। है ना, खरगोश को देखे होंगे बील में रहते हुए। खरगोश कैसा जीव है, तो खरगोश दोस्तों एक स्तनधारी जीव है, है ना, एक स्तनधारी जीव है आपका खरगोश, ठीक है, है ना, याद रखिएगा। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं। और कछुआ जो है क्या है दोस्तों, तो ये सरीसृप जीव है ना, कछुआ क्या है, तो ये सरीसृप है। सरीसृप का मतलब क्या होता है कि ये पानी में भी रहेगा और आपका स्थल पर भी रहेगा ना, ये सरीसृप जीव हो गया आपका कछुआ, याद रखिएगा। चलिए जी, और कछुआ जो होता है दोस्तों, ये बहुत दिन तक जीता है, ऐसा माना जाता है कि 150 प्लस ईयर ये जीता है आपका, है ना, तो कछुआ जो होता है ये दीर्घ आयु तक जीवित रहने वाला आपका जीव भी है, याद रखिएगा। ऑक्टोपस जो होता है ना, ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं, तो ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं। अगला सवाल है आपका 14 नंबर का, 14 नंबर प्रश्न है कि हमारी अंतड़ी में, है ना, पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। जी हमारा जो अंतड़ी है ना, हमारा जो लीवर है, अंतड़ी है, पेट है, उसमें कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो हमें खाना जो खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर क्या होगा बताइएगा। तो हमारी अंतड़ी में पाया जाता है लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, है ना, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो खाना पचाने में हमें मदद करता है। हमारे शरीर में ना सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमें खाना पचाने में, है ना, विटामिन बनाने में, इन्फेक्शन से बचाने में हमें मदद करती है, ठीक है, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम, अगला सवाल है आपका 15 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है, बता दीजिए कौन सा समीकरण यहाँ पर संतुलित है, तो आपका आंसर क्या होगा 64 का, तो 64 का अभी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 का बताइएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर है कि अंडे की जर्द यानी कि जो पीला भाग है इसमें 90% से अधिक विटामिन होता है, अंडा खाए है ना, अंडा का जो अंदर पीला वाला जो भाग होता है दोस्तों उसमें 90% से ज़्यादा क्या होता है ये पूछ रहा है, तो उसमें क्या होता है, विटामिन B12 होता है, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, ठीक है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है हमें आप बताइए, है ना, B12 का रासायनिक नाम होता है
क्या होता है, तो इसका साइनोकोबालमिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया होता है, है ना, एनीमिया रोग होता है आपका, याद रखिएगा, है ना, विटामिन B12 की कमी से। विटामिन के जो है आपका, विटामिन के जो होता है ये किसमें हमको मदद करता है, तो रक्त स्कंदन, है ना, रक्त जो थक्का जमता है ना उसमें हमें क्या करता है, मदद करता है। अगर कहीं पर आपका कट लग गया तो विटामिन के आपके शरीर में अगर मौजूद है तो वो क्या हो जाता है, देखते हैं, तुरंत बंद हो जाता है, तो विटामिन के की वजह से। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, फिलोक्विनोन, है ना, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है, फिलोक्विनोन याद रखना है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम है जी, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का नाम, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड है आपका विटामिन सी का नाम। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ए का रासायनिक नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेटिनॉल, क्या नाम है, रेटिनॉल नाम है आपका विटामिन ए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के हो जाएगा आपका फिलोक्विनोन, के की कमी से, के विटामिन के से क्या होता है दोस्तों, रक्त स्कंदन यहाँ पर होता है आपका, इसमें सहायक होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया रोग होता है। और अंडे की जर्दा जो होता है, पीला जो भाग होता है, है ना, उसमें क्या होता है, तो आपका अभी आपको बता दिए थे, उसमें विटामिन B12 होता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 16 नंबर, मछली के समूह को कहा जाता है, बताइए मछली के समूह को कहते हैं स्कूल, क्या कहते हैं जी, स्कूल कहते हैं मछली के समूह को। मछली किस वर्ग का है, तो ये मछली मत्स्य वर्ग का आपका प्राणी है, याद रखिएगा। मछली में दोस्तों हृदय दो कोष्ठ वाला होता है, ठीक है, तो इसका हृदय जो होता है वो दो प्रकोष्ठ वाला होता है, याद रखिएगा, ठीक है, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है मछली में, ठीक है। कॉड एक मछली, कॉड मछली का नाम सुने हैं, कॉड मछली बहुत इंपॉर्टेंट मछली है आपका, कॉड मछली, कॉड मछली जो है ना ये सागरीय मछली है और ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है। ये कहाँ पाई जाती है कॉड मछली दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। कॉड मछली और किस लिए प्रसिद्ध है, तो यकृत तेल के लिए, है ना, यकृत तेल के लिए आपका ये मछली प्रसिद्ध है आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 18 नंबर कि वायुमंडल, जी हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओजोन परत, तो ओजोन परत जो पाया जाता है दोस्तों ये हो जाएगा समताप मंडल में आपका, ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, 5, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल, बहिर्मंडल, ये 5 मंडल को आप याद रखिएगा। और ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में है। ओजोन परत क्या करता है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें है उससे हमारी रक्षा होती है, ठीक है। ओजोन परत जो है वायुमंडल में दोस्तों कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है आपका 32 से लेकर के 60 किलोमीटर, कहीं पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत 2-4 किलोमीटर आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। ओजोन जो परत है दोस्तों यहाँ पर 1985 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर छेद देखा गया था, है ना, यानी कि आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है 1985 में सबसे पहले यहाँ पर छेद देखा गया था आपका, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक होता हुआ था आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत पर संरक्षण के लिए, और इस पर हस्ताक्षर हुआ था आपका 16 सितंबर 1987, है ना, 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ये प्रोटोकॉल किया गया था सभी देशों के द्वारा कि कैसे ओजोन परत का संरक्षण किया जाए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के संरक्षण से, याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन परत को सर्वाधिक जो नुकसान होता है ये किससे होता है, तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से होता है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर सवाल, 19 नंबर है कि घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, बताइए घोड़ा द्वारा खींचा गया जो गाड़ी है यह भौतिकी के न्यूटन के तृतीय गति का नियम है दोस्तों, है ना, न्यूटन के गति का ये तृतीय नियम है, ये आप याद रखिएगा। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, है ना, इसका पुस्तक का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपिया, ठीक है, न्यूटन का जो प्रिंसिपिया, है ना, प्रिंसिपिया है, प्रिंसिपिया, तो इसके पुस्तक में इन्होंने अपने गति के बारे में बताया था, तीनों गति के बारे में बताया था, याद रखिएगा, है ना। तीसरा नियम क्या कहता है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
है ना। न्यूटन का जो तीसरा नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रॉकेट को उड़ाने है ना में आपका तीसरा गति का नियम वहाँ पर लागू होता है। नाव के जैसे नाव पर कभी नाव से कूदे हैं तो जैसे ही नाव से कूदिएगा तो नाव थोड़ा सा पीछे हट जाता है, वो भी तीसरा नियम का वहाँ पर लागू होता है। बंदूक से गोली चलाए हैं तो वहाँ पर भी होता है, जैसे ही गोली चलाइएगा तो पीछे धक्का की ओर मारेगा, है ना, वो आगे की ओर जाता है गोली तो पीछे वो धक्का मारता है, यानी कि ना जितना आगे प्रक्रिया लग रहा है वो पीछे भी लग रहा है आपका उतना। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, है ना। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जो बीमारी है वो चमगादड़ के कारण होता है। जी हाँ, चमगादड़ देखे हैं आजकल के बच्चे तो देखे भी नहीं होंगे चमगादड़ होता कैसा है, है ना। चमगादड़ कैसा होता है, रात में दिखेगा, दिन में नहीं दिखेगा चमगादड़, है ना। तो चमगादड़ जो होता है इससे कौन सा बीमारी फैलता है, याद रखिएगा, चमगादड़ से फैलता है इबोला बीमारी। इबोला बीमारी फैलता है दोस्तों चमगादड़ से आपका, ठीक है, इबोला, है ना। इबोला जो नाम पड़ा है ये इबोला नदी के नाम पर पड़ा है, इबोला एक नदी है और इसी के नाम पर रखा गया है इबोला वायरस, ठीक है, इबोला वायरस नाम रखा गया था। इस रोग की पहचान जो सबसे पहले हुई थी दोस्तों 1976 में हुई थी, इबोला आपका इबोला वायरस का, यानी कि ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1976 में, है ना। इस रोग के जो शिकारी जो शिकार हो जाते हैं उसमें कौन कौन सी बीमारी फैल सकता है मनुष्य में, तो टाइफाइड है, कॉलरा है, बुखार है, मांसपेशी में दर्द है, तो ये सभी बीमारी अगर हो रहा है तो आप चेक करा लीजिएगा, ठीक है। जीका वायरस एक आप सुने होंगे नाम आपका, है ना। जीका वायरस क्या होता है, तो जीका वायरस जो होता है ना ये गर्भवती महिलाएं जो होती है उस पर अधिक प्रभाव ये डालता है जीका वायरस। डेंगू ज्वर जो होता है दोस्तों ये किसके कारण होता है, तो वायरस की वजह से होता है डेंगू ज्वर, जो इसी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ठीक है, है ना, याद रखिएगा। और एक रोग होता है आपका हर्पीस, हर्पीस जो रोग होता है ये किसको प्रभावित करता है, तो हर्पीस रोग त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में है, तो गाजर में, है ना, गाजर खाइए विटामिन ए मिलेगा आपको। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी कि आपको रात में दिखेगा नहीं, ठीक है, उसको रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से एक और बीमारी होता है जीरोफ्थैल्मिया, है ना, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है, है ना, जीरोफ अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो ये आप मार सकते हैं, जीरोफ थैलमिया, ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया जो है ये भी विटामिन ए की कमी से होता है आपका। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब, तभी बताए थे आपको रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल जो है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए सबसे अधिक मिलेगा कहाँ, तो गाजर में मिलेगा सबसे अधिक विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। गाजर में क्या पाया जाता है, तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, गाजर में क्या, कैरोटीन पाया जाता है आपको गाजर में, ठीक है, है ना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है, यानी कि सुखंडी हो जाता है, सूखा रोग वाला। खून की कमी से क्या होता है, तो खून की कमी से होता है आपका रक्त छीनता, यानी कि एनीमिया रोग होता है, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। अगर आज वाला सेशन अगर पूरा देखते हैं ना मज़ा आ जाएगा, है ना, जितना सवाल आपको बता रहे हैं ना ये सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कौन सा जानवर स्तनपाई है, स्तनपाई मतलब कि वैसे जानवर जो बच्चे को जन्म देते हैं और वो दूध पिलाते होंगे, ठीक है, यानी कि उसको कहते हैं स्तनपाई जानवर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लू व्हेल, है ना, व्हेल मछली देखे हैं कभी, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी यही है व्हेल मछली दोस्तों, और ये स्तनपाई है आपका, ठीक है, ये स्तनपाई है जो बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। स्तनधारी के तीन उपवर्ग में इसको रखा जाता है, है ना, ये तीन भाग, उतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, जैसे कि प्रोटोथीरिया होता है, मेटाथीरिया होता है और यूथीरिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी की सबसे बड़ा प्राणी है, याद रखिएगा। कछुआ कैसा है दोस्तों, तो कछुआ जो है ना ये सरीसृप वर्ग में आता है, ठीक है, कछुआ आपको स्थल पर भी मिलेगा, जल पर भी मिलेगा, है ना। चलिए जी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना कह रहा है आपका, 23 नंबर की जबड़ा भाग है, जबड़ा जो भाग है ये किसका भाग है बताइएगा, है ना, जबड़ा जो भाग है ये किसका भाग है आपका, आपका भुजा है, श्रेणी चक्र है, हाथ है या खोपड़ी है ना। तो जबड़ा जो है दोस्तों ये खोपड़ी का महत्वपूर्ण भाग है, जबड़ा जो है ये खोपड़ी का महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, ध्यान रखिएगा खोपड़ी का, है ना। चलिए जी, अगला प्रश्न चलते हैं हम, और इसमें और कुछ है तो खोपड़ी में, हाँ, कितने हड्डी होते हैं खोपड़ी में दोस्तों, तो 29 हड्डी होते हैं आपके खोपड़ी में, है ना, खोपड़िया में कितनी हड्डी है, 29 हड्डी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और कान में कितनी हड्डी है, तो कान में 6 हड्डी है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है गैनीमीड, जी हाँ, गैनीमीड जो है ना हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा जुपिटर है, और वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है बताइए, सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों हमारा गैनीमीड, ठीक है, गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, ये किसका है, तो ये है आपका बृहस्पति का दोस्तों, ठीक है, किसका है जी, बृहस्पति का है ये, यानी कि उपग्रह है, याद रखिएगा, है ना, बृहस्पति का ये
सबसे बड़ा उपग्रह है, और आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, याद रखना है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, याद रखना है, है ना। और ये जैसे कि ये सन है आपका, है ना, ये सन हो गया, तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी है, सॉरी बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। ये आप आठों याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा, सूर्य से दूरी के हिसाब से, सबसे पहले बुध, फिर आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। ये आठों को आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा भी बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। किसके बीच में क्षुद्र ग्रह है दोस्तों, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह है ना, छोटे छोटे ग्रह, इसको क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 25 नंबर। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, बताइए कौन सी वो मांसपेशी है जो कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, 25 का क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों आपका मेसेटर मांसपेशी, है ना, क्या कहते हैं, मेसेटर मांसपेशी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। कान की अस्थियां, है ना, कान की हड्डियां जो होती है वो, जैसे मैसिलस है, इनकस है, स्टेप्स है ना, स्टेप्स हो जाएगा आपका। कर्ण की हड्डियां में 6 संख्या इसकी, है ना, कान की हड्डी 6 है आपका, और कर्ण की हड्डी स्टेप सबसे छोटी होती है ना, कान की कौन सी हड्डी सबसे छोटी है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों स्टेप्स, है ना, स्टेप्स जो होती है ये कान की हड्डी होती है, ये भी आप याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए जी, और देखिए मांसपेशी है ना, हमारे शरीर में जो मांसपेशी है और जो अस्थि है ना, हड्डी है, और इसको जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहा जाता है, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन, कई बार सवाल पूछा गया है, मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं, और हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, और मांसपेशी हड्डी के जोड़ को आपका टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है, बताइए ईंधन का ऊष्मीय मान किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, यानी कि किलो जूल में आपका, ठीक है, ईंधन का, है ना, ईंधन का ऊष्मीय मान किलो जूल में व्यक्त करते हैं हम लोग, और इसका आपका आंसर हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और भौतिक राशि है, जैसे कि त्वरण है, त्वरण का एक सही मात्रक क्या होता है जी, बताइएगा, इधर त्वरण है, इधर इसका, मैं जैसे भौतिक राशि मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना, इधर मैं लिख देता हूँ आपका भौतिक राशि, है ना, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इधर भौतिक राशि हो गया और इधर हो गया इसका एसआई मात्रक, है ना, एसआई मात्रक हो गया, आप याद रखिएगा एसआई मात्रक, ठीक है। अब जैसे कि देखिए त्वरण, त्वरण जो भौतिक राशि है, है ना, त्वरण जो है आपका, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। बल, है ना, बल का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है आपका। और आपका बल के अलावे और आपका कौन कौन इंपॉर्टेंट है, शक्ति, तो शक्ति का क्या होता है भाई साहब, शक्ति का वाट लगा देंगे, है ना, शक्ति अगर ज़्यादा आपके पास रहेगा तो क्या लगा दीजिएगा, वाट लगा दीजिएगा, है कि नहीं। दाब का क्या होता है, है ना, तो दाब होता है पास्कल, दाब का क्या हो जाएगा एसआई मात्रक, पास्कल हो जाएगा, है कि नहीं। कार्य या ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, है ना, प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो है उसका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, आयतन का घन मीटर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बार बार एग्जाम में राशि, ये तो फिक्स है कि आपका एक दो को पूछेगा ही 1-5 में। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, कार्य ऊर्जा का जूल, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आयतन का घन मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए आपका 27 नंबर, कौन सी ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, 3-4 ग्रंथि आप याद रखिएगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पीयूष ग्रंथि, है ना, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और भी बता दें, है ना, कौन सी ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो वो है आपका पीयूष, यानी कि इसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भी, तो पिट्यूटरी आपको हिंदी में लिख देगा, है ना, ये इंग्लिश है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि जो दोस्तों, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहाँ पर होता है, तो कपाल में होता है, यानी कि मस्तिष्क में होता है, याद रखिएगा। इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। इसका भार कितना होता है, तो इसका भार होता है 0.6 ग्राम होता है, ठीक है, 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं ना, इसको ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि ही आपको इसी को
कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इससे हार्मोन का स्राव होता है, है ना, याद रखना है। और देखिए जैसे कि पिट्रूटरी ग्रंथि हो गया, अवटु ग्रंथि हो गया, परा अवटु ग्रंथि हो गया, ये सभी जो ग्रंथियां हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। सीधा पूछेगा आपको कि पिट्रूटरी ग्लैंड कैसा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। अवटु ग्रंथि जो है थायराइड ग्लैंड जिसको कहते हैं वो भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, और पारा थायराइड जो ग्लैंड है वो भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 प्रश्न कह रहा है कि अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता, तो किसमें इसको दोस्तों व्यक्त किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाशीय सघनता में आपका, है ना, इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। हम चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर की, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, प्लास्टिक में एथिलीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्लास्टिक में किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्लास्टिक में किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किसको कहेंगे, तो मेटाजोवा को, है ना, किसको कहेंगे, मेटाजोवा, है ना, वह काट दीजिएगा, मेटाजोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका। ठीक है, मेटाजोवा जो है ये बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह होता है, मेटाजोवा, है ना। देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है ये मलेरिया रोग का मुख्य कारक है, याद रखिएगा, है ना, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, और यह एक प्रोटोजोवा होता है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी संबंध को कौन दर्शा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन जो है यह सहजीवी संबंध को आपको दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह कवक और तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है, किसके साथ करता है जी, तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल के साथ। चलिए आगे है कि इसके द्वारा वायु प्रदूषक का भी पता चलता है। ठीक है, चलिए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, लिख लीजिएगा, माइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों कवक के अध्ययन को, है ना, माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई साहब, तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, कई बार पूछा गया है, फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल के अध्ययन को, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, क व क, तो माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल जो होता है ये स्वपोषी होता है, याद रखना है, कवक जो है परजीवी एवं अपघटक दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर कह रहा है कि सेरीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर जो शब्द वो किससे संबंधित है, तो सेरी रेशम, है ना, सेरी किससे संबंधित है, रेशम से संबंधित है, यानी कि रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। रेशम क्या है दोस्तों, तो रेशम जो बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को कहाँ पालते हैं, तो शहतूत के पौधे पर इसको पाला जाता है, रेशम के कीड़े को, है ना, इसे कोकून प्राप्त किया जाता है, है ना, बहुत प्रक्रिया है। चलिए और कुछ कुछ अध्ययन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि पेडोलॉजी, जी हाँ, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पेडोलॉजी में दोस्तों किया जाता है मृदा का निर्माण तथा मृदा के प्रकार का अध्ययन, है ना, पेडोलॉजी मतलब मृदा का अध्ययन है, सीधा याद रखिए, मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, बहुत बार आ चुका है। और जैसे एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है, है ना, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, तो मृदा रहित कृषि के अध्ययन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी कि जिसको जल में पौधे को जो उगाया जाता है दोस्तों उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो मछली पालन की क्रिया से। वीटी कल्चर हो गया अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर हो गया केंचुआ पालन से। ठीक है, ये जितने कल्चर हैं आपको याद रखना है, है ना, और जो लॉजी है जैसे पेडोलॉजी हो गया, है ना, आपको सेरीकल्चर मैंने बता दिया अभी, ठीक है, और आपको हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एपीकल्चर हो गया, वीटी कल्चर हो गया, सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं, एक ना एक सवाल यहाँ से घुमा फिरा के आपको पूछ देगा 1-5 में, है ना। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग, इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको ग्रुप में मिल जाएगा, है ना, वहाँ पर आपको इसको एक दो बार बढ़िया से इसको लगा लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना।
चलिए जी, तो PDF अगर ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। हमारा नंबर है 7857-8843-10, है ना, 7857-8843-10। मात्र 499 इसमें चार्ज है, आपको एक बार पे करना होगा और उसी नंबर पर पे करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर की, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। देखिए, श्वास से संबंधित जितने भी बीमारियाँ होती है वायु प्रदूषण से होता है, है ना, तो वायु प्रदूषण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी। जैसे अस्थमा है, है ना, तो अस्थमा में क्या होता है, तो सीने में दबाव के साथ खांसी भी होता है अस्थमा में आपका, है ना। लंग कैंसर वगैरह हो गया, दिल का दौरा हो गया, ये सारे बीमारी है दोस्तों। अभी और भी बहुत सारी बीमारी है, सैकड़ों बीमारी है, जो सारे विभिन्न, हवा इतनी ज़्यादा अशुद्ध हो गई है जिसके वजह से ये बीमारियाँ आपको फैल रही है। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों, तो ध्वनि की तीव्रता हम लोग मापते हैं डेसिबल में, याद रखिएगा, है ना। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। खाद्य श्रृंखला, ये जितने सवाल है ना NCERT और SCERT सारे बुक में आपको मिल जाएगा, है ना, ये सारे बुक से ही आपके लिए गए हैं, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, है ना, बहुत मेहनत लगा है। प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो तीसरे पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता, दोस्तों 34 का आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में। चलिए, तो अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस है, नोबल गैस कौन सा है, तो नोबल गैस हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार आर्गन, है ना। आर्गन के अलावे कौन सा नोबल गैस है, तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है। देखिए, रेडॉन भी एक आपका नोबल गैस है, लेकिन रेडॉन को दोस्तों आपको, है ना, इसी को अक्रिय गैस भी इसी को कहते हैं ना, अक्रिय गैस भी इसी को कहते हैं, तो रेडॉन लेकिन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, है ना, तो इसके आर्गन हो गया आपका, हीलियम हो गया, है ना, हीलियम हो गया, है ना, हीलियम हो गया आपका, नियॉन हो गया, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन तो यहाँ पर हो ही गया, अब आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, है ना, क्रिप्टॉन हो गया आपका, ज़ेनॉन हो गया, ठीक है, ये सभी जो गैसें हैं ये सभी नोबल गैस के अंतर्गत आता है। फ्लोरीन जो है दोस्तों ये हैलोजन वर्ग के अंतर्गत आता है आपका फ्लोरीन आपका, ठीक है, है ना। फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ना, विद्युत ऋणात्मक जो सबसे अधिक है वो कौन सा है, तो फ्लोरीन है, ठीक है, याद रखिएगा फ्लोरीन। चलिए जी, अगला प्रश्न चलते हैं, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक हो गया, है ना। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न है, छुई मुई, जी हाँ दोस्तों, एक पौधा है छुई मुई, नाम सुने होंगे, तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, है ना, छुई मुई जो पौधे हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका, है ना, क्या नाम है, मिमोसा पुडिका नाम है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, मिमोसा पुडिका, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और देखिए, कुछ कुछ और वनस्पति है जिसका वास्तविक नाम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, जैसे कि सेब, है ना, तो सेब का आपका जो वास्तविक नाम हो जाएगा वो मेलस डोमेस्टिका हो जाएगा, है ना। साल जो वृक्ष है इसका वास्तविक नाम होता है सूर्या रेबुस्टा हो जाता है। चावल का हो जाएगा दोस्तों और यजा सटीवा हो जाएगा। गेहूँ का हो जाएगा ट्रीटिकम एस वीम हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस, है ना, जो ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन से संबंधित दोस्तों अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उस संधि का क्या नाम है, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। जी हाँ, केटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, ये हुआ था कब, तो 1997 में, बहुत इंपॉर्टेंट है केटो प्रोटोकॉल इसका नाम क्यों पड़ा, ये हुआ था आपको जापान में, है ना, कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था 1997 में, जापान के क्योटो शहर में हुआ था, ठीक है, क्योटो शहर में, इसीलिए इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, है ना, क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को दोस्तों रियो प्लस 5 सम्मेलन भी कहा जाता है ना, रियो डी जेनेरो में भी दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था, है ना, पृथ्वी सम्मेलन, वो भी आप याद रखिएगा, है ना, और ये वाला भी आपको पूछा जाता है आपका, ठीक है जी।
चलिए मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है, है ना? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ पौधे हो जाएंगे। पौधे जो है ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं आपके। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? बताइए वो कौन सा पक्षी है जो लुप्त प्राय पे आपका स्थिति पर आ गया है? तो वो हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति, है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको पर्यावरण वाले में मिल जाएंगे ना, सारे पर्यावरण के सवाल हैं जो आपको 1 to 5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना आप यकीन मानिए। ठीक है, चलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है बेरी बेरी नामक रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये रोग। पूछा जाता है कि ये रोग जो है दोस्तों ये किस विटामिन के कमी से होता है आपका बेरी बेरी, तो क्या होगा? बेरी बेरी नामक जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से? B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, है ना। याद रखिएगा विटामिन B1 का दोस्तों थायमिन इसी को कहते हैं ना, इसी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन, है ना, थायमिन हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। बेरी बेरी जो रोग है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है आपका गीला बेरी बेरी, है ना, एक होता है गीला बेरी बेरी और एक होता है आपका सूखा बेरी बेरी। देखिए ये नाम सुने थे कभी? एक गीला होता है, एक सूखा भी होता है। गीला बेरी बेरी जो होता है ये हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है, और जो सूखा बेरी बेरी होता है ये नसों को नुकसान पहुँचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी आती है इससे। ठीक है, चलिए तो B1 आपको कहाँ से मिलेगा, है ना। अब ये जानना भी जरूरी है कि विटामिन B1 की अगर आपके पास कमी है तो क्या चीज़ खाना चाहिए? तो गाजर खाइए, है ना, गाजर खाइए आप, चावल खाइए, और चावल तो खाते ही होंगे, गेहूं भी खाते होंगे, है ना, आटा खाते होंगे, गेहूं तो खाइएगा नहीं ना, आटा खाइएगा, दूध पीजिएगा, है ना, दूध पीजिए। और कहाँ से मिलेगा? सोयाबीन से मिलेगा दोस्तों, है ना, कहाँ से मिलेगा? सोयाबीन से मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा जी? हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होता है वो खाइए, तो विटामिन B1 आपको मिलेगा। ठीक है, B2 का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब? तो विटामिन B2 में भी आपको बता दूं कि विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका पाइरीडॉक्सिन। क्या नाम है? पाइरीडॉक्सिन, या डॉक्सिन कहिए, जो कह सकते हैं पाइरीडॉक्सिन, है ना। पाइरीडॉक्सिन जो है आपका विटामिन B2 का नाम है, और ये पानी में घुलनशील है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों आपका जो ये विटामिन है ये पानी में घुलनशील है? विटामिन B2 और भी घुलनशील है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि बी और सी, है ना, विटामिन बी और सी जो है ना ये पानी में घुलनशील होता है, जबकि ADEK, है ना, ADEK जो होता है ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील होता है ना। ADEK जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, और BC जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील कौन हो गया? ADEK, और पानी में घुलनशील कौन हो गया? B तथा C हो गया आपका। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। B2 आपको बता दिया गया था, है ना, B2 का रासायनिक नाम क्या था? पाइरीडॉक्सिन, और ये पानी में घुलनशील है। B6 जो होता है दोस्तों इसकी कमी से शारीरिक विकास पर असर पड़ता है ना, और हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन B6 में पाया जाता है। B3 से क्या होता है? तो B3 की कमी से पैलाग्रा होता है, नोट करते चलिएगा। और B3 के स्रोत कहाँ से मिलेगा? तो आलू से, बादाम से, टमाटर से, हरी पत्तेदार सब्जी, यानी हरी पत्तेदार सब्जी आपको खाना बहुत जरूरी है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम मैंने पीछे ही बताया था, साइनोकोबालमिन, है ना, साइनोकोबालमिन, और विटामिन ये पानी में घुलनशील है। बी से संबंधित जितना है विटामिन B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब B और C ये पानी में घुलनशील है, ADEK वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा, आपको काम हो जाएगा। विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, जो विटामिन आप विटामिन कर रहे हैं तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो फंक ने किया था। ठीक है, फंक महोदय किए थे आपको विटामिन का प्रयोग 1911 में आपका। ठीक है, 1911 में। ठीक है, चलिए जी, तो मैं चलता हूँ अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। हिमालय के एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, किस समूह में इसको रख सकते हैं? देखिए, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है। कौन सा पौधा है? ये एक औषधीय पौधा है, इसको आपको उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, और इसे स्थानीय समूह में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्थानीय समूह। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 42 नंबर सवाल कि एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहते हैं। एशियाई जो टुंड्रा समूह के जो निवासी हैं है ना, इसको क्या कहते हैं, तो सेमोयड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेमोयड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है, है ना। विश्व में देखिए एशियाई जो टुंड्रा के जो निवासी है उसको सेमोयड कहते हैं, याद रखिएगा। और विश्व में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि विश्व में मुख्यतः चार प्रजाति के मानव पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में मुख्यतः चार प्रजाति के मानव, है ना, आप किस प्रजाति के हैं बताइए, तो चार प्रजाति के मानव पाए जाते हैं विश्व में, है ना, चार प्रजाति के मानव। ये प्रजाति कौन कौन से है, तो एक तो निग्रोयड हो जाएगा, एक मंगोलायड हो जाएगा, एक ऑस्ट्रेलायड हो जाएगा और एक काकेशियाई हो जाएगा। ये चार प्रकार आप याद रखिएगा, पूछा जाता है दोस्तों। एक सवाल पूछा जाता है जनजाति से संबंधित, नोट कर लीजिएगा, जैसे कि वेद्दा जनजाति, है ना, नाम सुने होंगे वेद्दाह जनजाति। वेद्दाह जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है, तो ये श्रीलंका में निवास करती है। कई बार पूछा गया सवाल है, श्रीलंका में निवास करती है, श्रीलंका की ये जनजाति है। खिरगिज जनजाति के बारे में आप सुने होंगे ना, खिरगिज, है ना, तो खिरगिज जो जनजाति है दोस्तों ये कहाँ निवास करती है, तो ये मध्य एशिया में निवास करती है, ठीक है, याद रखिएगा मध्य एशिया। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 43 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने सवाल थे ना एकदम लल्लन टॉप हैं, बार बार पूछा जाता है। डोल्ड्रम 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य को कहा जाता है दोस्तों डोल्ड्रम, है ना, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्षेत्र होता है ना डोल्ड्रम, इसी को शांत पेटी भी कहा जाता है, इसी को शांत पेटी भी इसको कहते हैं, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण। अब इसको समझेंगे कैसे, अब मान लीजिए ये ग्लोब है, ये है आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ऊपर ले लीजिए 5 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे ले लीजिए 5 डिग्री, इसी के बीच वाला जो भाग है दोस्तों इसी को कहेंगे क्या, डोल्ड्रम। इसी को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। डोल्ड्रम में क्या होता है कि यहाँ पर वायु दाब निम्न होता है, है ना, यहाँ पर वायु दाब क्या होता है दोस्तों, एयर प्रेशर यहाँ पर लो होता है, है ना, यहाँ पर क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है सालों भर, है कि नहीं, तो गर्मी यहाँ पर सालों भर रहेगा, तो लो प्रेशर रहेगा, और लो प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर हवाएं चलेगी हाई प्रेशर से, है ना, हाई प्रेशर से यहाँ हवाएं चलेगी, यहाँ पर खूब झमाझम बारिश होगी, सालों भर गर्मी, यहाँ के लोग एकदम भूत की तरह काले दिखेंगे आपको, है ना, एकदम भूतिया की तरह काला दिखेंगे यहाँ पर जो 0 डिग्री के आसपास के लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये डोल्ड्रम वाला क्षेत्र है। एक सवाल है आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री, है ना, पूछा जाता है 30 डिग्री से अश्वाक्षांश के बारे में, नोट करिएगा, 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश पर उच्च वायु दाब पेटी होती है जिसको अश्व अक्षांश कहते हैं। ये सवाल पूछेगा आपको एग्जाम में, नोट कर लीजिए, ठीक है, है ना। चलिए जी, ध्रुवीय जो प्रदेश होता है, एक क्वेश्चन बताइए, ये है आपका ध्रुवीय प्रदेश नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, ये है नॉर्थ, ये है आपका साउथ पोल। ध्रुवीय प्रदेश में वायु दाब कैसा रहेगा, तो उच्च रहेगा, है ना, कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, जहाँ पर भी ठंडा क्षेत्र है वहाँ पर हवाएँ उच्च रहेगी, याद रखिएगा, है ना। पूरे पृथ्वी को कुल 7 वायु दाब पेटी में विभाजित किया गया है, ये भी सवाल पूछा गया है कि पूरे पृथ्वी को कितने वायु दाब पेटी में विभाजित किया गया है, तो 7, ठीक है, 7। अगला प्रश्न हम चलते हैं 44 नंबर सवाल कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली, कई बार दोस्तों सीटेट में पूछा गया सवाल है, पोचमपल्ली, है ना, पृथ्वी को दुनिया को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दोस्तों ये पोचमपल्ली गांव कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है, कहाँ है, तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना जो अलग हुआ किससे, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, कब अलग हुआ, तो 2 जून 2014 को ये आपका अलग हो गया था। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पोचमपल्ली दोस्तों है ये नलगोंडा जिले में है, किस जिले में है, नलगोंडा जिले में है, और पोचमपल्ली ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिल्क सिटी के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता वाली रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती है यहाँ पर आपका, ठीक है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है 45 नंबर,
पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? बताइए, पंचायत समिति के प्रधान, है ना, जो पंचायत समिति है इसका जो प्रधान होते हैं, इसका जो चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य करेंगे, है ना, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों, ये त्रिस्तरीय है ना, तीन स्तरीय है। कौन कौन स्तर है? तो एक तो आपका ग्राम स्तर हो गया, है ना, एक हो गया आपका प्रखंड स्तर, ठीक है, एक हो गया प्रखंड स्तर और एक हो गया आपका जिला स्तर, ठीक है, ये तीन स्तर याद रखिएगा, है ना। किसने दिया था ये त्रिस्तरीय? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है 46 नंबर। निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, है ना, केंद्र राज्य संबंध से किसका संबंध है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका राम मन्नार समिति रिपोर्ट, है ना, राम मन्नार समिति रिपोर्ट जो है ये केंद्र राज्य संबंध से आपका है। इसमें देखिए हुआ क्या था, है ना, राम मन्नार समिति जो रिपोर्ट है ये केंद्र राज्य संबंध से है। इसमें हुआ था ये बात है आपका 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने हेतु दोस्तों डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, याद रखना है। चलिए, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हम चलते हैं अगला प्रश्न है 47 नंबर। कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषित है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आप पढ़े होंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी, है ना, तो कल्याणकारी जो राज्य है ये मूलतः आपका किसमें संश्लेषण है? तो ये हो जाएगा समाजवाद और उदारवाद, है ना, उदारवाद और समाजवाद, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ये मूलतः उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग चार हम लोग पढ़े होंगे भारत का नीति निदेशक तत्व, ये भी कहता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है आपका, ठीक है। चलिए, एक सवाल पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो है वो कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स है दोस्तों, आपका वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हो जाएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं 48 नंबर, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो कपिल मुनि हैं। कौन है? कपिल मुनि, तो कपिल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका सी, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। सांख्य दर्शन जो है ना ये सबसे प्राचीन दर्शन है। ऑप्शन क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, है ना, सबसे प्राचीन दर्शन है आपका सांख्य दर्शन, ठीक है। चलिए, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है जी? तो न्याय दर्शन के हो जाएगा गौतम मुनि। गौतम मुनि किसके हो जाएंगे? न्याय दर्शन के, नोट कर लीजिएगा। और योग दर्शन के कौन है? तो योग दर्शन के होता है हो जाएंगे आपके पतंजलि, है ना, तो ये हो जाएंगे योग दर्शन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो जैमिनी महोदय। जैमिनी किसके हैं? पूर्व मीमांसा, है ना, पूर्वी मीमांसा या पूर्व मीमांसा कर सकते हैं, पूर्व मीमांसा के ये प्रतिपादक हैं जैमिनी, ये भी आप याद रखिएगा। उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो ये तीनों नोट कर लिए हैं, हम इसको मिटाते हैं, अब आपको बता देते हैं उत्तरी मीमांसा, है ना, तो उत्तरी मीमांसा, है ना, उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे बादरायन महोदय। कौन हो जाएंगे? बादरायन महोदय, ठीक है, बादरायन महोदय हो जाएंगे, ठीक है। वैशेषिक दर्शन एक है आपका वैशेषिक, है ना, ये भी नोट कर लेना है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, है ना, तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है आपको कनाद। कौन है? कनाद हैं, याद रखिएगा, या फिर इसको उलुक मुनि भी कहा जाता है, या फिर उलुक मुनि भी इसको कहते हैं, कनाद या उलुक मुनि वैशेषिक दर्शन, ठीक है। तो मैंने कितना चीज़ बता दिया आपको, न्याय दर्शन गौतम मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा वादरायन, वैशेषिक दर्शन कनाद, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका 49। प्रश्न कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, गुप्त शासक द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, है ना, चांदी के सिक्के जारी किए गए थे दोस्तों, ये कहलाता था रुपयक। क्या कहलाता था? रुपयक कहलाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, है ना, छपेगा एग्जाम में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रुपयक, है ना, इसको क्या कहते थे? रुपयक। और देखिए,
अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, कितना बड़ा गलत काम करते हैं, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, है ना, और आने वाला आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली 3 बजे से होती है और रात में 9 PM से आपका NCERT सीरीज चल रहा है। आज NCERT का चलेगा, चैप्टर आपका 5 और 6 होगा, क्लास 7 हिस्ट्री वाला, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, है ना, मेडाइवल अभी चल रहा है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, रुपया का ऑप्शन नंबर ए, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से और नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक, है ना, स्वर्ण मुद्राएं, है ना, सोने की मुद्राएं, वाह वाह वाह, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था दोस्तों, बताइएगा। तो ये चलाया था गुप्त शासक ने, गुप्त शासकों द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को कहते क्या थे, तो इसको दिनार कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, दिनार कहते थे। गुप्त काल में सिक्कों के परीक्षक को रूप दर्शक कहा जाता था, है ना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों बेगार प्रथा का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा, है ना। और पन क्या था, तो मौर्यकालीन सबसे प्रचलित सिक्का था, मौर्यकालीन में जो सबसे प्रचलित सिक्का था वो था आपका पन, ठीक है, कौन था, पन, ठीक है, याद रखिएगा। और पन जो था ये चांदी का सिक्का था, किसका सिक्का था, ये चांदी का सिक्का था आपका पन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो वाला बताइएगा। तो देखिए, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कर्नवालिस मराठा युद्ध। तो मराठा युद्ध, लॉर्ड कर्नवालिस, दोस्तों डी नंबर जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सुमेलित है, तो यही आपसे पूछ रहा था, लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। भारतीय देखिए इतिहास में ना तीन मराठा युद्ध होता है, तीन आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध को आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपका, ठीक है, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध को ध्यान रखिएगा, है ना। इसका आंसर तो डी हो गया। प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था ये वारन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, है ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वारन हेस्टिंग्स के समय में 1775-82 में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803-5 में लॉर्ड वेलेजली के समय। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1817 में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है आपका, है ना, कब, तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध में याद रखिएगा, है ना, अंग्रेज के तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो था, ठीक है जी। चलिए, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, और ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आज 50 से ज़्यादा सवाल है, ध्यान रखिएगा, अभी भागना नहीं है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से सही उनके कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ पर सजाना है, जैसे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, है ना, ये ईस्वी के अनुसार समझा आपको सजाना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, यही तो पूछेगा आपसे BPSC, इतना आसान थोड़ी पूछ लेगा कि भगत सिंह को फांसी कब हुआ था, ये नहीं पूछेगा, है ना, सजाने के लिए दे देगा दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। अब इसको बैठ के सजाते रहिए, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, है ना, एकदम ऊपर ऊपर से नहीं पूछेगा, तो याद रखिएगा, है ना जी। तो चलिए इसको सजाइए अब, तो सजाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, है ना, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, है ना, तो इसके बाद हुआ था भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। उसके बाद क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कराची अधिवेशन जो हुआ था 29 मार्च 1931 को, ये हुआ था दोस्तों 29 मार्च, है ना, 1931 को हुआ था दोस्तों आपका कराची अधिवेशन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका
7 सितंबर 1931 से आपका 1 दिसंबर 1931 तक, ठीक है। तो आप इसको सजा लीजिए। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता 4 नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। एक ही गो से आंसर आपका यहाँ पर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और ये जितनी घटनाएं अभी मैंने आपको दिखाया, लॉ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, भारतीय गांधी इरविन समझौता, ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन, है ना, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ये सभी घटनाएं आपकी हुई थी, याद रखिएगा, है ना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पूछा जाता है प्रश्न कि वो कौन भाग लिए थे, तो गांधी जी दोस्तों, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 30, 31, 32, तो मात्र दूसरे में दोस्तों गांधी जी भाग लिए थे आपको। और ये हुआ कहाँ था? तो लंदन में हुआ था, याद रखिएगा। एक सवाल और पूछा जाता है कि 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में किसने भाग लिया था, है ना। तो 3 गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो थे बी आर अंबेडकर, है ना, बी आर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। जी हाँ, तेज बहादुर, है ना, तेज बहादुर सप्रू जो थे ये भाग लिए थे दोस्तों आपका तीनों में, और आपको बी आर अम्बेडकर जी, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और गांधी जी वाला भी इंपॉर्टेंट था, सिर्फ दूसरे में भाग लिए थे आपका, ठीक है। चलिए, तो ये रहा 51 नंबर, इसका आंसर नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। चलिए जी, ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते, है ना। और दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें आप जुड़ जाइए, जहां आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, अभी तक जितना टेस्ट हुआ है एनसीईआरटी वाला, उसके अलावे आपका 1 to 5 वाला सारा आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका गूगल पे फ़ोनपे नंबर है, 499 इसमें चार्ज है, ये नंबर है, इसी पर आपको पे करके व्हाट्सएप करना होगा, जहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है, है ना, 1 to 5 के लिए, और इसके अलावे 9th, 10th सामाजिक विज्ञान के लिए, है ना। हमारे यहां 2 बैच अभी फिलहाल चल रही है, और अब ज़्यादा समय भी नहीं है कि और के लिए शुरू किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास, कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। आपको सिर्फ एक ही बार 499 पे करना है, कोई मंथली चार्ज आपको नहीं है, उसके बाद PDF, वीडियो, नोट्स, लाइव क्लासेस आदि सभी चीज़ आपको मिलते रहेगा, है ना। जो भी आपका कॉमेंट होगा आप अपना कॉमेंट कर दीजिएगा हमारा नीचे में, उसका जवाब हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो रात में आज मिलते हैं फिर से 9 बजे, और 9 बजे जो क्लास होगी रात में वो आपकी होगी NCERT, है ना। NCERT आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अभी हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री फिलहाल पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं क्लास 7, है ना, हिस्ट्री में देख रहे हैं क्लास 7 का, आज होगा दोस्तों चैप्टर नंबर आपका 3-4 हो गया था कल, आज देखेंगे 5 और 6, है ना, आज 5-6 नंबर चैप्टर देखेंगे, तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा आपको वहाँ पर ज़्यादा आप जवाब दे सके, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, समय को इधर उधर आप बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल निकलते चला जाता है ना, समय इंतज़ार किसी का नहीं करता है, ठीक है, समय मतलब गुजरते चला जाएगा, ठीक है, और समय धीरे दिन प्रतिदिन देखते देखते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, और फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।